हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू मटर की सब्जी बनाना। तो आइए बनाते हैं आलू मटर की सब्जी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना प्याज के बनाएंगे हम आलू मटर। बनाने के लिए ये हमने 3 बड़े आलू लिए हैं, इनको हमने टुकड़ों में कट कर लिया है। एक बड़ा बाउल हमने मटर के दाने लिए हैं और ये मैंने 4 टमाटर और 1 अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च ली हैं। तो आइए बनाते हैं आलू मटर की सब्जी। ये मैंने टमाटर को कट कर लिया है और साथ ही ये मैंने अदरक के टुकड़े को भी कट कर लिया है और ये हरी मिर्च भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये हमारे टमाटर और मसाला अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। अब मैं इस मसाले के अंदर 1/2 चम्मच नमक डालूंगी। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं और 1/2 चम्मच मैं हल्दी पाउडर डालूंगी इसमें और लाल मिर्ची पाउडर भी मैं 1/2 चम्मच डालूंगी। ये मैंने कुकर लिया है, अब मैं कुकर के अंदर ऑयल डालूंगी और ऑयल को मैं गर्म होने देती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें चुटकी भर हींग डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल दूंगी। जीरा हमारा चटक चुका है, अब मैं इसमें ये टमाटर और मसाला डाल दूंगी और इसको हिला मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मसाले को भून लूंगी। और मसाला हमारा भूनने लगा है, इसी मसाले के अंदर हम 1 चम्मच बेसन डालेंगे जिससे कि हमारी ये ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी बन जाएगी। आप चाहे इसे पानी में भी घोल के डाल सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है और इसको भूनने देती हूँ मैं। और मसाला देखो हमारे कितने अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है, इसने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बनानी पड़ती है। मुझे हाथ में फोन पकड़कर ही वीडियो बनानी पड़ती है। कृपया करके मेरी वीडियो जरूर लाइक करें। आलू हमारे मसाले के अंदर मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इसमें ही मटर डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और ये हमारे आलू मटर मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको भी मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें पानी और डालती हूँ, मैं यहाँ 1 गिलास पानी और डाल रही हूँ। मैंने कुल टोटल 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। और अब मैं कुकर को बंद कर देती हूँ और इसमें 2 सीटी लगाएंगे हम कुकर के अंदर। कुकर को मैंने बंद कर दिया है और 2 विशल आने तक का हम इंतजार करेंगे। और ये हमारे कुकर में 2 विशल आ चुकी हैं, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और स्टीम निकलने तक का हम इंतजार करेंगे। ये हमारे कुकर की स्टीम निकल चुकी है, अब मैं कुकर को खोल लेती हूँ। और ये मैंने कुकर को खोल लिया है और अब मैं सब्जी को चेक कर लेती हूँ। ये देखो हमारी सब्जी कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसमें खूब सारा धनिया डाल दूंगी और इसको भी मिक्स कर लूंगी अच्छे से। और अब मैं इसे एक बाउल में सर्व। ये मैंने आलू मटर की सब्जी और चपाती के साथ सर्व किया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।